बेंगलुरु के जो हमारा बेस्ट बिरयानी का एक्सपीरियंस हुआ है मटन बिरयानी का, वो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए करते हैं शुरू इस सफर को। तो आज संडे मैं आया हूँ एक आइकॉनिक शिवाजीनगर के अखाड़े में, जहाँ मिलता है मस्त पहलवानी खाना। तो यहाँ पे मटन की एक लजीज बिरयानी ट्राई करेंगे। पहलवानी हंडी, जो शिवाजीनगर गर्दी उस्ताद पहलवान काले भाई का जो छोटा सा होटल करते हैं यहाँ पे, देखिए ऐसा एम्बियंस है। और आज संडे है तो संडे को स्पेशल आइटम्स मिलते हैं। इसकी कंप्लीट रेट, प्राइसिंग, टेस्ट सब कुछ देखेंगे हम लोग। तो हमारी प्लेटें लग चुकी है और हमारे ऑर्डर भी आ चुके हैं। तो ये है मटन बिरयानी, ये सिर्फ फ्राइडे और संडे को स्पेशल, आज संडे को होती है। यहाँ पर एक ऐसी वेटिंग है और यहाँ पे रखी गई है दाल। तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ी वेटिंग है क्योंकि संडे है, जल्दी 3:30 बजे ही इनके मटन की बिरयानी ख़त्म हो जाती है। 12:30 से शुरू है ये। दोपहर को डेली चिकन बिरयानी मिलती है, लेकिन मटन बिरयानी इज़ ओनली ऑन फ्राइडेज एंड संडेज़। तो ये देखिए, ये हमारे सामने बिरयानी है, ये अंबूर स्टाइल मटन बिरयानी है। इसकी प्राइसिंग भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले बिरयानी का जायका लेते हैं। तो मैंने मेरी प्लेट में लगा लिए हैं और इसमें 2 मीडियम साइज़ के ऐसे मटन के पीसीस आए हैं। तो एक मैंने यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है। चलिए बिस्मिल्ला बोलकर हम शुरू करते हैं हमारा आज का खाने का जायका। तो चलिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने राइस टेस्ट किया तो ये जो ओवरऑल बिरयानी का टेस्ट ओके है। और अभी हम इसका गोश्त भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये उस्ताद गर्दी उस्ताद पहलवान हंडी है। अंदर देखिए किचन है लेफ्ट में, और राइट साइड में भी सिटिंग अरेंजमेंट है, और उसके बाजू में वहाँ अखाड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये गोश्त है, इसको देखते हैं कैसा है। ये मटन के 2 मीडियम साइज़ के पीसीस आए हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा है मटन के पीसीस। तो ये एक मीडियम साइज़ बोल सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए अंदर ऐसा है, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा कौला, जो छोटे बकरे होते हैं उनका गोश्त है। तो ये ऐसा है गोश्त इस मटन बिरयानी का। तो ये मटन बिरयानी सिर्फ संडे और फ्राइडे को मिलती है। और तो गोश्त अच्छा है, टेस्टी है, पूरे मसाले का टेस्ट इसमें आया है। मटन बिरयानी है, इसकी प्राइस है 250 यानी कि ₹250। यहाँ पे देखिए, यहाँ पीछे अखाड़ा है और यहाँ पे ये इनका ऐसा एम्बियंस है, जहाँ पे काउंटर है और बाकी पीछे अखाड़ा, सामने टेबल्स हैं, यहाँ पे आप बैठ कर आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे इसका बोर्ड्स हैं और ऊपर भी लिखा हुआ है ये पहलवानी हंडी मटन चिकन एंड फिश। तो ये आपको ऐसी है, यहाँ पे देखिए ये शिवाजी रोड है, जो बेंगलुरु की बिजी एरिया है, मार्केट एरिया चिकपेटे, जो मैजिस्टिक के पास ही है, केआर मार्केट सब। तो ये रेस्टोरेंट जो है बहुत फेमस है, बहुत पुराना है। यहाँ पे देखिए इसका नाम है SGS गुंडू पुलाव, तो ये गुंडू पुलाव के नाम से मशहूर है जो। और यहाँ पे इनके टाइमिंग्स भी दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि तो ये मटन बिरयानी भी ऑर्डर किया। और ये यहाँ का सेटअप है इनका, यहाँ पे देखिए जो आप प्लास्टिक में देख रहे हैं उसमें रायता है, ककड़ी और प्याज ऐसा देते हैं, और एक पत्ते के बोल, जो बेंगलुरु की फेमस डोने बिरयानी है, उस पत्ते के बोल में पुलाव देते हैं। तो और इसमें देखिए कैसे पीसीस हैं और कैसा टेस्ट है, कैसा गला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसमें ज़बरदस्त होने वाला है। इसकी जब मैंने लिया तो इसकी जो खुशबू भी आ रही थी, गर्मा गर्म सर्व करते हैं पत्ते के बोल में। मैं इस वक्त जो मार्केट है और यहाँ का एम्बियंस देखें, इस रेस्टोरेंट का कम्प्लीट सीटिंग अरेंजमेंट है, ज़बरदस्त इसकी वैल्यू फॉर मनी है। मैं आपको प्राइसिंग लिस्ट भी दिखाऊंगा। और 4 अच्छे खासे मटन के पीसीस हैं इसमें, और हाफ बॉइल्ड है। कि इसकी प्राइस सुनेंगे तो आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि इतना वैल्यू फॉर मनी भी मटन का पुलाव मिलता है, और इतना टेस्टी, क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी। अगर ये 3 चीज़ें अगर आपको कहीं पर भी रेस्टोरेंट में मिलती हैं तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, और एक कलिनरी ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसके मटन के पीसीस, और ये टेस्ट ज़बरदस्त था इसका पुलाव का अल्टीमेट। यहाँ पे देखिए इसके मटन के पीसेस भी गले थे, और 4 मीडियम साइज़ के पीसेस इसमें थे, जिसको अच्छा खासा मटन लगा हुआ था, और अल्टीमेट एक्सपीरियंस हुआ। मटन का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, टेंडर था, जूसी थे, और जो कंप्लीट जो मसालों का टेस्ट था, और जो ये चावल होते हैं, ये जो घी का मुझे इसमें टेस्ट लगा था, और ये पुलाव में। यहाँ पे देखिए ये इसके पीसेस हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त था पुलाव। इसका टेस्ट भी, यहाँ पे जो ये जो डोने बिरयानी स्टाइल, जो पुलाव का स्टाइल है, इसमें कैसा होता है कि आपको मसाले मुंह में नहीं मिलेंगे जब आप खाते हैं, तो जैसे बिरयानी में होता है। यहाँ पे पूरे पीसकर मसालों, चावल के साथ जो मसालों में ये पुलाव बनता है। ये जो मटन पुलाव है ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी है, जब आप खाएँगे इसको हल्की सी स्पाइसीनेस है इसमें, खाने के लिए भी आपको मज़ा आएगा। और जो पीसीस हैं इसके अल्टीमेट, 4 मीडियम साइज़ के जूसी ज़बरदस्त मटन के,
पीसीस है, वो मटन पुलाव वॉज अल्टीमेट। तो 200 रुपये में मटन पुलाव मिलता है यहाँ पे और चार अच्छे खासे पीस हैं। तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये इनका नीचे का सेक्शन है, यहाँ पे काउंटर है, ये बंद हो चुका है। यहाँ पे देखिए इसकी प्राइसिंग है, चिकन पुलाव 130, मटन पुलाव 200 और बाकी के इनके नॉर्मल आइटम्स भी हैं प्लेन। तो मैं हूँ इस वक्त SG राउस मिलिट्री होटल। ये 120 साल पुराना होटल है, यहाँ के जायके यूनिक है और ये यहाँ पे बहुत रश रहती है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे देखिए, ये इनका अंदर का एम्बियंस है। तो मैं पहुँचा हूँ 4 बजे के बाद दोपहर में, तो यहाँ पे इसलिए पूरा खाली है ये। और यहाँ पे देखिए इनके जो जायके हैं, सुबह 5:30 बजे खुलता है ये होटल और गर्मा गर्म आपको इनके जायके मिलते हैं। 1902 में ये स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर इनके जायके बहुत ही फेमस है। तो मैंने मंगाया यहाँ पे इनकी फेमस मटन बिरयानी, एक्चुअली सॉरी ये बिरयानी नहीं है, मटन पुलाव है। इसके साथ देखिए एक यूनिक प्याज का रायता है, सालन है और एक नींबू का पीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मटन का एक पीस है, दो मटन के पीस हैं, टोटल 4 पीस हैं इसमें मटन के। तो ये सुबह 5:30 बजे खुलती हैं, सभी आइटम्स मिलते हैं और शाम को 10 बजे तक रहती है। तो अच्छा खासा मीडियम स्पाइसी है। मटन भी ज़बरदस्त टेस्टी है क्योंकि ये वेल मैरिनेटेड है, इसमें टेस्ट में लगता है कि अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रखा गया है। बहुत ही अच्छा पीस है मटन का। और 4 पीस हैं जो कि है चिक पेटे, जो बेंगलुरु का मार्केट एरिया है मैजेस्टिक के पास, वहाँ की ये होटल है। तो बेंगलुरु में हैदराबादी बिरयानी का जायका आपको कहाँ मिलेगा? एक ऐसे ही हैदराबादी बिरयानी रेस्टोरेंट का आउटलेट को हम जायका ट्राई करेंगे, पैराडाइज रेस्टोरेंट जो कि एक फेमस हैदराबाद रेस्टोरेंट है, और चखेंगे वर्ल्ड्स फेवरेट बिरयानी। तो चले चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कौन से और कैसे जायके हमारा वेट कर रहे हैं। तो मैं हूँ इस वक्त HSR लेआउट के ब्रांच में। हमने ये मंगाई है रॉयल मटन बिरयानी। दोस्तों हमारे प्लेटें लग चुकी हैं, अब हम वेट कर रहे हैं जो ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी। हैदराबाद का ही एक फेमस रेस्टोरेंट है, तो इनकी बिरयानी विल बी द वन विच इज़ फाउंड इन हैदराबाद। सो ये देखिए यहाँ का एम्बियंस ऐसा है और जो मटन बिरयानी है उसको मीडियम स्पाइसी रखा है। तो एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर पूछते हैं पहले। हमारी बिरयानियाँ आ चुकी हैं और ये उसके एकम्पेनमेंट सर्व कर रहे हैं। तो इसके साथ मिलता है मिर्ची का सालन और दही का रायता। एक मटन रॉयल मटन बिरयानी है, हम ट्राई करेंगे मटन बिरयानी। तो ये गर्मा गर्म सर्व की जाती है, तो बिरयानी का असली मज़ा खाना जो गर्मा गर्म खाने में ही है, बिरयानी को खाने का मज़ा। यहाँ पर देखिए कैसे गर्मा गर्म परोसी जा रही है। तो इसका जायका मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए परोसी जा रही है और मिल सकता है इसमें 2 पीसीज हैं मटन के और उसकी खुशबू और आराम अभी मस्त आ रही है। थैंक यू दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये मटन बिरयानी उन्होंने सर्व कर दी है, जिसका इंतज़ार था वह घड़ी आ चुकी है। गर्मा गर्म है बिरयानी और 2 पीस हैं मटन के, मटन के पीस को बाद में ट्राई करेंगे। तो इनकी बिरयानी देखिए दोस्तों, बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेवरफुल है, थोड़ा सा एरोमेटिक भी है। और जब उसका हरे का हर निवाले में उसका टेस्ट आता है। और हमने मटन की बिरयानी को मीडियम स्पाइसी बोला था, तो ये मीडियम स्पाइसी है, मस्त है टेस्ट इसका, अच्छी खिली सी। आप देखिए मसाले और अच्छे टेस्ट है इसका, अच्छा टेस्ट है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऑथेंटिक खा रहे हैं। तो ये दिस इज़ वेरी गुड। तो ये मिर्ची का सालन ट्राई करते हैं क्योंकि
तो ये बिरयानी जो थी ये अपने आप में ज़बरदस्त टेस्ट था इसका, मस्त थी। तो देखते हैं कि ये मिर्ची का सालन है, तो ये हैदराबाद का फेमस एकम्पेनमेंट है, एकम्पेनमेंट जो आपको जो मेन कोर्स के साथ मिलता है। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। जब आप मिर्ची का सालन यूज़ करते हैं तो इसका टेस्ट और भी एक यूनिक बन जाता है। तो ये पहले मैंने जो बताया आपको, ये बिरयानी अपने आप में ही बहुत ज़बरदस्त थी। जब हम मिर्ची का सालन उसको ऐड करके खाए हैं तो ये भी एक अलग मिर्ची का थोड़ा स्पाइसनेस बढ़ा भी देता है और उसका एक यूनिक टेस्ट देता है। तो अभी चलते हैं हमारे मटन के पीस की तरफ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैसा है। इसमें दो मटन के पीसेस हैं, तो देखते हैं कि ये कैसा है। मटन बहुत अच्छी तरीके से गला है, अच्छी मैरिनेट भी हुआ है। तो मसालों का टेस्ट है इसमें और अच्छी तरीके से गला है ये, इट्स गुड। पैराडाइज का जायका बहुत ज़बरदस्त बिरयानी थी मटन की, जो मटन का था अल्टीमेट परफेक्ट टेस्ट था। जो एरोमास, जो टेस्ट, जो ऑथेंटिक लगी मुझे बहुत अच्छी। मज़ा आया यहाँ पे खाकर। पैराडाइज HSR लेआउट के ब्रांच में हूँ। यहाँ की और एक बात मुझे जो अच्छी लगी वो है यहाँ की प्राइसिंग। तो 290 रुपीज़ में मटन बिरयानी मिली, वो मटन बिरयानी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। चिचाबाज ताज होटल जो फेजरटाउन में है, इस होटल की हिस्ट्री 80 ईयर से भी पुरानी है। इनका मेन होटल है शिवाजी नगर में और ये 10 से 11 साल पुराना फेजरटाउन में है। और हम यहाँ पे मेनली इनके मटन दम बिरयानी का टेस्ट करने आए। इनका एम्बियंस है, ऊपर का सेक्शन है ये AC सेक्शन। अभी हम हमारे डिशेज़ का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लेटें लग चुकी हैं और बैंगन का सालन, ये शादियों में भी यहाँ पे बैंगलोर में दिया जाता है, बैंगन का सालन रहता है। और ये हमारी बिरयानी है, तो चलिए बिरयानी को ट्राई करते हैं। तो ये जो बेंगलोर के शादियों में बिरयानी बनती है वो स्टाइल में है ये। तो ये बेंगलोर का स्टाइल है बिरयानी का। और ये चिचाबाज ताज जो रेस्टोरेंट है वो फेमस है इस बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसा जायका है इसका। ये छोटे चावल से बनती है, ये एक रिसेम्बलेंस मुझे लगता है ये अंबूर बिरयानी जो होती है बेंगलोर में वैसे ही थोड़ी होती है। ये दो मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के पीसेस, ये साइज़ के दो पीसेस होते हैं। और ये बैंगन का सालन है, तो ये एक प्रॉपर मुस्लिम स्टाइल वेडिंग जो बेंगलोर में जो खाना बनता है बिरयानी, उस स्टाइल की बिरयानी है। तो ये हम पहले देखते हैं कि राइस, तो ऐसे दो बड़े साइज़ के, मीडियम से बड़े साइज़ के पीसेस होते हैं मटन के, और ये छोटे चावल से बनते हैं। तो ये है मटन दम बिरयानी एट ताज होटल, ताज चिचाबाज होटल इन बेंगलुरु। ये बिरयानी बहुत जायकेदार है और इसका हाईलाइट है इसका गोश्त जो है इसमें मटन का, बहुत जूसी टेंडर और बहुत टेस्टी भी अच्छी है, टेस्टी है। और इसका गोश्त जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे दो बड़े पीसेस हैं इस बिरयानी में। यहाँ पे मटन बिरयानी तो टेस्टी थी ही, और ये बिरयानी के पीसेस खाकर भी बहुत मज़ा आया। मटन के मस्त थी, ओवरऑल एक जायकेदार दम बिरयानी जो बेंगलोर में शादियों में बनती है। यहाँ पे देखिए इसका एम्बियंस भी मस्त है। आया हूँ करामा रेस्टोरेंट जो कि है फेजर टाउन में। इनके अरेबियन फूड बहुत फेमस हैं, तो मिडल ईस्टर्न अरेबियन की क्विजीन है इनके पास, ज़बरदस्त आइटम्स है। ये देखिए कैसा हमारा टेबल है, जो बालकनी जो गैलरी वाला साइड हमने टेबल लिया है। तो चलिए देखते हैं इनका मेन्यू क्या है, और इनके जो अरेबियन डिशेज़ है बहुत फेमस है तो वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने सुना है कि इनकी जो नली निहारी और जो पाया होता है वो बहुत फेमस है। तो अभी हम इनका मेन्यू देखते हैं, मेन्यू है। और इनके बहुत सारे डिशेज हैं जो आपको ग्रेवी साइड यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया पहले अरेबिक क्विजीन, कराची और पंजाबी, ये तीनों के क्विजीन के हिसाब से इनके वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन और बहुत सारे आइटम्स हैं। और इनका इंटीरियर भी बहुत ज़बरदस्त है। और हम यहाँ पे मेन हमको बिरयानी ट्राई करनी थी, यहाँ की बिरयानी कैसी होती है। यहाँ की बिरयानी का जायका टोटली अलग है, पंजाबी स्टाइल की बिरयानी मिलती है यहाँ पे, मैंने पता किया। तो हम ऑर्डर करने वाले हैं गोश्त बिरयानी, जो कि मटन की बिरयानी होगी, वो हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे। तो ये इनकी बिरयानी का टोटली अलग स्टाइल है, जो साउथ इंडियन जो बिरयानी होती है उनसे टोटली अलग होती है। गोश्त की बिरयानी हमने मंगाई है, तो ये देखिए ऐसी होती है। तो चलिए वेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी गोश्त की बिरयानी आ चुकी है, ये पंजाबी स्टाइल की बिरयानी है, देखने से ही आपको पता लगे टोटली अलग है ये। तो देखेंगे इसका जायका कैसा है। ये मटन बिरयानी हमने मंगाई है, इसको बोलते हैं गोश्त बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जायका आज का, जो हम
करामा रेस्टोरेंट में आए हैं फ्रेजर टाउन के, इनके ट्राई करने के लिए। तो ये जो रेस्टोरेंट का लोकेशन है, ये आजू बाजू में बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं सिमिलर टू करामा। तो ये है गोश्त की बिरयानी जो कि है मटन की बिरयानी, ये पंजाबी स्टाइल में बनी है और टोटली अलग है। जो हम हैदराबादी और लखनवी ट्राई करते हैं तो उससे थोड़ा अलग है, ये सूखी जैसी लग रही है लेकिन इसके मसाले पूरे मिक्स हो चुके हैं, तो अलग से इसमें मसाले नहीं मिलेंगे आपको, ये कम्प्लीटली अलग है। तो ये टेस्ट में एकदम टेस्टी है, मज़ा आता है आपको खाने में, गरम मसाले सभी मसालों का टेस्ट आएगा आपको। और ये आपको यहाँ पे कहीं पे भी मसाला नहीं मिलेगा अलग से, कंप्लीट एक अलग स्टाइल में बनाई गई बिरयानी है, मस्त है। और इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के मटन के पीसीस हैं, मटन भी हम देखेंगे कैसा है। ये बिरयानी का पहला जायका है, यहाँ पे देखिए मटन भी अच्छा टेंडराइज था, गला हुआ था, इट वाज अ गुड बिरयानी। तो ये था करामा रेस्टोरेंट जहाँ के हमने जायके ट्राई करे हूँ अलीगढ़ हाउस में। यहाँ के जायके बहुत ज़बरदस्त मुख्तलिफ होते हैं, जो नॉर्थ यूपी और लखनऊ के एकदम अल्टीमेट जायके हैं अलीगढ़ हाउस में। तो चले चलते हैं अंदर। यहाँ पे जो बेंगलुरु में हमने बेंगलुरु की और हैदराबाद की जो बिरयानियाँ ट्राई करी, ये HSR के 7 सेक्टर में है। यहाँ के जो जायके होते हैं वो यूनिक जायके होते हैं, मुख्तलिफ जायके जो मैंने जो नोटिस किया बेंगलुरु में आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लखनऊ नॉर्थ दिल्ली साइड के जायके। तो आज हम मटन बिरयानी ट्राई करेंगे। तो ये हमने सिंगल मटन बिरयानी ली है जिसमें 2 मटन के पीसीस हैं, देखेंगे मटन कैसा है वो भी देखेंगे। और मेन हमको मटन टेस्ट करना था, ये इनकी बिरयानी तो ज़बरदस्त होती ही है, तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मटन कैसा है। मटन की जो अलीगढ़ स्पेशल बिरयानी होती है, अच्छी तरीके से गला है, मस्त है मटन का पीस। तो ये इनकी मटन की हमने सिंगल मंगाई है, तो इसमें इतने ही साइज़ का और एक पीस है, तो टोटल 2 पीस होते हैं सिंगल बिरयानी में। और बिरयानी तो अच्छी होगी ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे चिकन बिरयानी ट्राई करी है, जो कि अलीगढ़ स्पेशल के ज़बरदस्त जायके होते हैं यहाँ पर। मुझे यकीन है कि आपको ये जायके पसंद आ रहे होंगे। तो बेंगलुरु इज़ द IT कैपिटल ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ और बाकी के जायके मैं आपको दिखाता हूँ। शरीफ भाई के रेस्टोरेंट फ्रेजर टाउन में, रमज़ान में भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, फूड स्ट्रीट लगता है। ये शरीफ भाई का रेस्टोरेंट है, तो चले चलते हैं अंदर। बेंगलुरु के नॉनवेज के जायके हैं यहाँ पे, उनका ये मेन्यू है। उसे जो गोश्त है मटन का, मटन बिरयानी वाला, बहुत ही अच्छा और टेस्टी है, इसका एक अलग ही टेस्ट है। टेंडर तो गला हुआ यानी कि टेंडर तो है, ये टेस्टी है, बहुत मस्त टेस्टी है ये भी। इसको घी में या किसी में इसको भुना गया है, मसालों में या मैरिनेट किया गया है, बहुत ही मस्त पीस है ये, आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। साथ ही साथ ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी है। ये मैं रेस्टोरेंट में बहुत ही मस्त है, गर्मा गर्म एक अलग ही यूनिक, बहुत टेस्टी है ये, बहुत ही अच्छी है। तो जो मुस्लिम वेडिंग्स में बनती है शादियों में वैसी है ये। इसमें 3 पीसीस होते हैं गोश्त के, 3 मटन के पीसीस होते हैं इसमें, बोन वाले होते हैं ये, छोटी जो जीरा का सांभर राइस होता है उससे बनती है ये। 1957 में शुरू हुआ था एंड द टेस्ट इज़ यूनिक। चेन है ये तलापाकट्टी, दिंडीगुल तलापाकट्टी, जहाँ पे इनकी एक अलग टाइप की बिरयानी होती है वो भी हम देखेंगे। और जो असली मसाले जो होममेड स्पाइसेस होते हैं उस हिसाब से ये इनकी बिरयानियाँ बनती हैं। तो चले चलते हैं अंदर। यहाँ पे बाहर डिस्प्ले भी होता है कि इनके जो स्पेसिफिकली डेली जो स्पेशल आइटम बनते हैं वो भी बाहर स्पेसिफाइड होते हैं, तो ये यहाँ का एम्बियंस है। तो चलिए इनका मेन्यू देखते हैं। तो मैंने बहुत सुना है थलापाकट्टी बिरयानी के बारे में, एक अलग ही स्टाइल की बिरयानी है, जैसे हैदराबादी होती है, लखनवी होती है, बंगाल कोलकाता की बिरयानी होती है, उसी तरीके से एक थलापाकट्टी के एक अलग स्टाइल होता है। इसका जो गोट होता है, जो गोश्त होता है गोट का, वो ग्रास फेड गोट होता है, और सिरा का सांबा राइस इसमें होता है। तो HSR लेआउट के जो इंडिगुल थलापाकट्टी के ब्रांच में हूँ मैं, तो हम यहाँ पे मटन बिरयानी मंगाएंगे जो थलापाकट्टी की स्पेशल जो
फेमस बिरयानी है वो मंगाएंगे, ट्रेडिशनल ओल्ड तरीका और यहाँ का एक सर्व करने का स्टाइल है। यहाँ पे देखिए पत्ते हमारे जो प्लेटें लग चुके हैं, पत्ती आ चुकी है जो कि है तलपकट्टी बिरयानी, मटन बिरयानी। देखिए कैसी है, एक बॉयल्ड एग होता है एक बिरयानी में, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये बिरयानी के साथ एक रायता आता है और एक करी टाइप में आता है, ग्रेवी बोलूँगा मैं उसको। यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म हमारी जो बिरयानी आ चुकी है, कैसा एक अलग ही स्टाइल है। और इसमें अच्छे खासे दो बड़े मटन के बोन वाले पीसीस हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये इनका राइस देखिए, ये सिरागा सांबा राइस से बनता है, ये जो तमिलनाडु बेंगलोर में भी ये फेमस है राइस, जिसमें एक ये जो टाइप की बिरयानी होती है ये सिरागा सांबा राइस से बनती है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, फ्लेवर और टेस्ट देती है। तो ये इसका पूरी स्टोरी है। तो ये हमारे ग्रेवी टाइप है और रायता मिला है। तो ये थलपाकट्टी की बिरयानी है, राइस देखिए टोटली अलग आपको दिखेगी जो ये एक अलग स्टाइल ऑफ मेकिंग है बिरयानी का, फेमस है ये तमिलनाडु में। यहाँ पे देखिए ये जीरा का सांभर राइस है और मटन के पीसेस देखिए कैसे एकदम, इससे पता चलता है कि मटन भी अच्छी तरीके से टेंडराइज हुआ है और ये टेंडर मतलब गला है मटन और इसका पूरे मसालों का एब्जॉर्ब करके। ऐसी बिरयानी में मटन के पीसेस खाने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि मटन के पीसेस भी मसाले को एब्जॉर्ब करते हैं और एक ओवरऑल एक आपका बिरयानी का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अल्टीमेट होता है। तो मैं आया हूँ इस वक्त अच्छा लेआउट के बेंगलुरु ब्रांच में, इनका पीस देखते हैं मटन का पीस पहले कैसा है। इसकी स्पेशलिटी, इस बिरयानी की स्पेशलिटी है जो राइस होता है। और यहाँ पे इस बिरयानी में आपको मसाले मुँह में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे जैसे बाकी बिरयानी में होता है, ये एक कम्प्लीट मिक्स्ड मसाले की बिरयानी है, गर्म मसाले और एक कम्प्लीट फ्लेवर देती है और इसका एक टेस्ट ही अलग है और मज़ा आएगा आपको गर्मा गर्म खाने में। और इसके पीसेस भी अच्छे तरीके से गले हुए हैं, टेंडर है और खाने में भी आपको मज़ा आता है और एक ओवरऑल बिरयानी का एक्सपीरियंस, मस्त बिरयानी का एक्सपीरियंस है तलपकट्टी और ये मसाले एब्जॉर्ब करता है। कुकिंग कैसा करते हैं, तो ये ऑन द वे आउट जब आप बाहर निकलते हैं रेस्टोरेंट से तो यहाँ पे उन्होंने कम्प्लीटली, तो मैं आया हूँ एक ऐसी रेस्टोरेंट में जो कि फेमस है लखनऊ के फूड के लिए, अवधी क्विजिन के लिए, कि बिरयानी के भी बहुत वैरायटी है यहाँ पे। वो के एच बी कॉलोनी जो कोरामंगला बेंगलोर में 5th ब्लॉक में, तो ये रोड फूड स्ट्रीट है, आगे आप जाएंगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे और रमज़ान फूड स्ट्रीट भी यहाँ पे इसी रोड पे आगे लगता है। तो ये है कोरामंगला और ये अंदर का रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हमारे लखनऊ की अवधी बिरयानी आ चुकी है। ये मटन बिरयानी है जिसमें 2 मटन के पीसेस होते हैं और इसके साथ आई है ये और ये सालन आया है इसके साथ। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एक प्रॉपर लखनऊ की बिरयानी है जो एक्चुअल लखनऊ में मिलती है। तो इसके पहले जो हमने अलीगढ़ हाउस में देखी थी वो उसमें थोड़ा दिल्ली का इन्फ्लुएंस था उसमें और थोड़ा वो अलग थी विद अलॉन्ग विद द लखनऊ एंड अवध इन्फ्लुएंसेस, बट ये जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर लखनऊ की बिरयानी है, या ऐसा बोल सकते हैं कि लखनऊ का एक फेमस पुलाव है। यहाँ पे देखिए कैसी ज़बरदस्त दिख रही है बिरयानी और लंबे जो बिरयानी राइस होती है बासमती राइस उससे जायकेदार बनी हुई बिरयानी, देखे कैसे चावल हैं। तो चलिए बिरयानी के जायके को शुरू करते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। तो ये आ गए हमारे लखनऊ की बिरयानी, अवधी स्टाइल की बिरयानी। तो ये टोटली अलग होती है हैदराबादी स्टाइल से, जहाँ पे इसमें मिक्स मसाले होते हैं, इसमें टोटली अलग स्पाइसेस होते हैं और ये मसाले आपको एकदम से आपको इसमें मिलते नहीं है, तो कम्प्लीटली मिक्स होती है। तो चलिए ट्राई करते हैं। इसके पहले ही बाइट में मुझे ज़ैफ़रान, जो सैफ़रान होता है केसर, उसका हल्का सा टेस्ट आया, बाद में जो घी या ऑयल में जो बनती है उसका और स्पाइसीनेस में एकदम सटल है, ये थोड़ा हल्की सी स्पाइसी बट फ्लेवर एरोमा है इसमें। ये लखनवी अवधी स्टाइल बिरयानी है, इसका गोश्त भी ट्राई करेंगे हम लोग कैसा है देखते हैं। तो पहले बिरयानी को इन्जॉय करते हैं। और इसमें मुझे एक हैवी इन्फ्लुएंस लगा जो दूध या दही का जो होता है, एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है इसमें जो इसका टेस्ट बढ़ाता है। और बाकी सभी मसाले हैं हल्का सा या बोलूँगा मैं उससे भी कम स्पाइसी है, ये स्पाइसीनेस में बिल्कुल ही लाइट है। चलिए अभी इसका मेन गोश्त देखते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे देखिए कैसा गोश्त है इसका। तो ये लखनवी स्टाइल की मटन बिरयानी है, इसका बहुत ही मटन तो डेफिनेटली गला होगा क्योंकि इसके हिसाब से लग दिख रहा है,
मटन के दो ऐसे बड़े पीसेस आते हैं इसमें, इस बिरयानी में। और इसका मटन बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी है, एकदम टेंडराइज्ड गला हुआ, बिल्कुल ही फुल एरोमेटिक। और ये जो सालन के साथ जब आप खाते हैं तो बहुत ही मस्त लगता है। ये सालन है, ये सालन में एक घी है और हरी मिर्च का इन्फ्लुएंस है और मसाले है। अभी देखिए कैसा इसका गोश्त है, मस्त गला है ये, जैसे मंदी का गोश्त होता है, जैसे टेंडराइज होता है वैसा ही, लेकिन थोड़ा उससे कम और लेकिन बहुत ज़बरदस्त टेस्टी। तो पूरे बिरयानी के मसालों का टेस्ट इसमें आया है, ओवरऑल टेंडराइज मटन मस्त है, खाने में मज़ा आ रहा है। तो ये था लखनऊ स्ट्रीट का जायका कोरमंगला का। तो ये बिरयानी के जायकों का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट के थ्रू बताएं और इसको लाइक और शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, खुदा हाफिज़।